से चलते हैं। आप सभी को सबसे पहले मैं सामाजिक के प्रति में शोक व्यक्त करूंगी। चुनाव पूरे देश में हुए, नतीजे नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए अपना इस्तीफा सादर करके नामांकित करके उन्हें को विनती कर दी है कि आप विश्लेषण करेंगे, सबके साथ बात करेंगे, जो लीडर्स है उनके साथ फिर उनके मन में जो भी विचार थे वो डालने की कोशिश की, हम चालू करेंगे, चालू रखेंगे और वही जिले के साथ जिस जिले के साथ हम रहेंगे। और मुझे कोई भी आपको संदेह मेरे मन में नहीं है, क्योंकि ये बहुत बार कांग्रेस पार्टी के तो भी कांग्रेस ऐसे ही लग रहा था कि कांग्रेस खत्म हो गई। जब राजीव गांधी की समाधि पे खुद जला के उन्होंने पहले तो डिसाइड कर दिया था, राजनीति में आए पहले कुछ लोग थे उसमें काम करने का मौका मुझे मिला और तब से आज तक है और अभी भी मुझे पक्का मालूम है, मुझे भी है और हमारी जनता भी हमें पता है कि गलती आप दूर करें वो भी हम सुन लेंगे, क्योंकि कांग्रेस हमें सपोर्ट रहा 2019 के चुनाव में भी इस माध्यम से। रिकॉर्ड मतों से जीते बीजेपी, रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं वो रिकॉर्ड मतों से हार भी सकते हैं, ये बाद में पहले भी हुआ है, उसके पहले भी हुआ है। मैं बार बार वही बता रही हूँ कि एक हार या दो हार से हमारी कांग्रेस की 130 वाली पार्टी को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। मैं भी नहीं थी ना पहले से, 10 साल से हमारी वही चलती आ रही है ना, क्योंकि सुक्खू की टीम थी ना राठौर जी की, किसी सुक्खू की या राठौर जी की टीम नहीं होती है, कांग्रेस पार्टी की टीम होती है। अब किसी का पर्सनल नाम लेके मुझे लगता है ये उनके ऊपर अन्याय होगा, सभी कांग्रेस वालों की टीम हो जाएगी। मैम चुनाव में देखा कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड ही नहीं था, तो अब फंड कैसे जुटाएं? ईवीएम का इश्यू आपके सामने उजागर करूंगी, तो आप ही लोग हमें बोलेंगे जब 3 राज्यों में आपके चुनाव लड़े थे जीते थे आपने तब नहीं आपने बोला ईवीएम का, इसलिए मुझे मालूम है आप अगला सवाल क्या पूछेंगे। सुनिए, लेकिन ईवीएम का जो है ईवीएम का मुद्दा अहम है, जिसके लिए हमारे सभी लीडर सभी अलायंस पार्टनर्स भी बोल रहे हैं। और अगर एक महीना पहले चुनाव होता है हम हार जाते हैं और एक महीने के बाद में मतपत्रिका पे चुनाव होता है कर्नाटक में वहां हम जीत जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? एक महीने में इतना क्या हुआ? गोवा में हम जीत जाते हैं जिसमें मतपत्रिका यूज की, तो हम ये भी मुद्दा है हम उसको उठाएंगे और वो राज्य लेवल पर नहीं तो हम नेशनल लेवल पर उस मुद्दे को उठाएंगे। राठौर जी, मैम ऐसे कौन से बिंदु रहेंगे जिसको पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए बूथ तक जो कांग्रेस जाएगी? देखिए ऐसे है कि संगठन का जो आत्मा है वो बूथ है, बूथ लेवल तक जाना जरूरी है। हमें हमेशा लगता है कि राहुल जी आएंगे और हमें जिता के देंगे, वो कहां से वो गलत फहमी दूर करनी जरूरी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मानसिकता ये बनी है कि हमारे लीडर आएंगे और हमें जिता के देंगे, उसके लिए हमने नीचे लेवल पे क्या तैयारी की वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर इसके लिए हम ये सोचना चाहते हैं कि उम्मीदवार इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी का जो ढांचा है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो वहां से जीत के आना चाहिए। मैं बीरभद्र सिंह जो ने आपको लास्ट में बताया कि हिमाचल में मेजर सर्जरी होगी और हम सब लेवल पे जो भी हमें रिपोर्ट्स मिले हैं हमारे चारों भी उम्मीदवार जो लड़े हैं लोकसभा का चुनाव और हमारे जो विधायक है लीडर्स है कार्यकर्ता है सबसे रिपोर्ट लेके हम उसकी पूरी हम जांच करेंगे और हम उसके लिए जो भी बदलाव करनी जरूरी है वो हम पूरी करेंगे। प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता जानना चाहता है कि कितने समय के अंदर ये बड़ा सर्जरी करने जा रहे हैं? देखिए एक प्रोसीजर होती है, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी और इसके लिए कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। क्या मानते हैं मैम हार के क्या कारण मानते हैं, मोटे मोटे क्या? हार के कारण बहुत है, ऐसे एक कारण हम नहीं उसको कर सकते, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं ने साथ में आके सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत तो बहुत की, लोगों ने भी मेहनत की, लेकिन हम जहाँ पे कम पड़े उसी के लिए तो सर्जरी करने की जरूरत है। लेकिन इतना वोट